नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल। दोस्तों, चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन जरूर जरूर प्रेस कर ले, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। क्योंकि दोस्तों, आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ता से संबंधित किसी भी राज्य और किसी भी शहर की कोई भी अपडेट आती है तो हम सबसे पहले आपके सामने लेके आते हैं। दोस्तों, आज 6 अगस्त की 10 बहुत बड़ी खुशखबरियाँ। जी हाँ दोस्तों, 10 बहुत बड़ी खुशखबरियाँ कौन सी, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। रुके हुए मानदेय को एरियर मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, रुके हुए मानदेय का आपको एरियर मिलने वाला, साथ में आंगनबाड़ी में राशन की बजाय अब मिलेगा नगद वेतन आपको यहां पर मिलने वाला। साथ में आंगनबाड़ी अब बनेगी मुख्य सेविका का पद है। अब आंगनबाड़ी जो कार्यकर्ता है उसको मुख्य सेविका का पद यहां पर दिया जाएगा। साथ में रक्षाबंधन से पहले मिलेगा बढ़ावा मानदेय। जी हां दोस्तों, रक्षाबंधन से पहले आपको बढ़ावा मानदेय आपका मिलने वाला है, तो आपके लिए बहुत बड़ी और बहुत अच्छी बात है। तो दोस्तों, इस वीडियो में सारी चर्चा हम करने वाले, तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए, साथ वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर तो बेल आइकन पर प्रेस कर ले, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहे। तो चलो दोस्तों, देखते हैं सारी जानकारी। सबसे पहले बात करते हैं, विभाग ने मानदेय के साथ एरियर पर भी लगाई रोक। कई जगह एरियर पर रोक लगा दी गई, तो कौन कौन सी जगह यहाँ पर एरियर पर रोक लगाई गई है तो देख लेते हैं। सबसे पहले आशा सहयोगिनी संगठन जिला शाखा ने मानदेय बढ़ाने की मांग को लेकर मुख्यमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आशा सहयोगिनियों ने बताया कि सरकार ने बजट में आंगनबाड़ी आशा सहयोगिनियों का मानदेय नहीं बढ़ाकर महिलाओं की उपेक्षा की है, जबकि बजट में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिकाओं का मानदेय बढ़ाने की घोषणा की गई है। आशा सहयोगिनी महिला बाल विकास व मेडिकल विभाग में दो दो विभागों के अधीनस्थ सुक्त रूप से गर्भवती महिलाओं का पंजीकरण, मातृत्व शिशु दर को कम करना आदि कार्य करती है। मानदेय के रूप में मात्र 2500 रुपए मासिक यहां पर इनको मिलता है। उसके अलावा यहां पर बड़ी खबर आई है, महिला एवं बाल विकास विभाग ने अपनी ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के हक की राशि देने से मना कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, अभी आंगनबाड़ी में काम करने वाली कार्यकर्ताओं को 10,000 रुपए प्रतिमा मानदेय दिया जा रहा है। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा ने घोषणा की थी कि वह मानदेय में 1500 रुपए बढ़ाएगी। वायदे के अनुसार जब केंद्र की तरफ से 1500 रुपए बढ़ाए गए, तो मध्य प्रदेश सरकार ने नए मानदेय के लिए 27 जून 2019 को एक आदेश जारी कर दिया, और यानी 1500 रुपए बढ़ने के बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 11,500 रुपए होना था। लेकिन हैरत तब हुई जब पता चला कि मानदेय पहले की तरह ही जस का तस और 10,000 रुपए। ये मामले का खुलासा करने के लिए डीबी स्टार ने पड़ताल की तो पता चला कि सरकार में बैठे अफसरों की बाजीगरी की गई है। उसके अलावा आप यहां देख सकते हो, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को जो 10,000 रुपए प्रतिमा मानदेय दिया जा रहा है, उसमें 7,000 रुपए यहां पर राज्य अंश का हिस्सा है और 3,000 रुपए केंद्र सरकार का अंशदान है। लेकिन जब केंद्र ने 1500 रुपये बढ़ाए, यानी 3000 से बढ़ाकर मानदेय आपका 4500 रुपये हुआ, तो राज्य ने अपने हिस्से से 7000 रुपये में से 1500 रुपये कम कर दिए। अब राज्य का हिस्सा 5500 रुपये और केंद्र का 4500 रुपये हो गया। यह फैसला तब लिया गया जब खुद कमलनाथ ने चुनाव के पहले वचन दिया था कि उनकी सरकार आंगनबाड़ी व आशा कार्यकर्ताओं को न केवल नियमित करेगी बल्कि उनका मानदेय भी बढ़ाया जाएगा। लेकिन हुआ ठीक उसके उलट। आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की तरह आंगनबाड़ी सहायिकाओं और उप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में भी अफसरों ने सेंध लगाई। उसके अलावा आप यहां देख सकते हो, 10 महीने पहले मिलनी थी राशि, लेकिन एरियर भी हड़पा गया। चुनाव के कारण बजट जारी नहीं हुआ, तो जुलाई माह से केंद्र के आदेश को लागू किया गया। इसके अनुसार अब नया मानदेय आपका 1 अक्टूबर 2019 से मिलेगा, लेकिन नए आदेश में राज्य ने बढ़ाए गए रुपए कम करके मानदेय को यथावत रखा है, जबकि होना तो यह चाहिए था कि प्रत्येक आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को अक्टूबर 2018 से लेकर सितंबर 2019 के बीच का एरियर भी मिलना था। उसके अलावा आप यहां देखिए तो प्रदेश में 84,465 आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है। विभाग ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1500 रुपये कम किए। इस हिसाब से इनका 1 महीने में 12,66,00,000 रुपये एरियर बनता है। ऐसा 10 महीने से चल रहा है, तो इस हिसाब से सरकार अब तक 126 करोड़ का एरियर के पैसा बचा चुकी है। इसी प्रकार मध्य प्रदेश में करीब 84,000 आंगनबाड़ी सहायिका है, इनके में 750 रुपये की कटौती की गई, यानी करीब 63 करोड़ रुपये अपनी जेब में डाली गई। वहीं उप आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के मानदेय में 1250 रुपये की कटौती की है। इनकी संख्या प्रदेश में 12,670 है, इससे अधिक बताई जा रही है, यानी 15 करोड़ रुपये से अधिक
अधिक राशि विभाग ने दबा ली। तीनों राशि को मिला दिया जाए तो 162 करोड़ रुपए विभाग के पास में है। इस राशि के बारे में अब कोई जवाब नहीं दे रहा है। उसके अलावा आप यहां देख सकते हो किसके वेतन में कितनी कटौती यहां पर की गई है। तो आप यहां देख सकते हो 1 अक्टूबर 2018 से पहले 10,000 रुपये महीने मानदेय मिलता था। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर भाजपा ने 1500 रुपये बढ़ाने का निर्णय लिया है। इसके बाद 1 अक्टूबर 2018 से आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को 11,500 रुपये मानदेय मिलता था। 1500 रुपये की यहां पर कटौती की गई। आंगनबाड़ी सहायिका कार्यकर्ता पुराना मानदेय आपका 5,000 रुपये था, केंद्र ने बढ़ाए थे 750 रुपये, यानी 5,750 रुपये आपके होने चाहिए थे, लेकिन राज्य ने 750 रुपये यहाँ पर आपके काट लिए मानदेय। अगर पुराना मानदेय की बात करें तो यहाँ आपका पहले 5,750 रुपये मिलते थे, इसमें से 3,300 रुपये राज्य के और 2,250 रुपये आपके केंद्र के। केंद्र ने 1,250 बढ़ाए तो नया मानदेय आपका 7,000 रुपए होना था, लेकिन 1,250 राज्य ने काट लिए। अब यहां आप देख सकते हो, मैं आपको पूरी न्यूज बता देता हूं। आपका 1,250 है वो केंद्र ने काट लिए। उसके अलावा आप यहां देख सकते हो राज्य ने तो जो तय किया वही तो हम देंगे। राज्य सरकार ने कहा है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का मानदेय 10,000 रुपए तय किया गया है, इसीलिए जब केंद्र का अंश आया तो हमने राज्य का अंश कम कर दिया। इसमें कहीं ना कहीं कोई गड़बड़ी नहीं है, ऐसा यहाँ की सरकार ने बताया। इसके अलावा आप यहाँ देख सकते हो कार्यकर्ताओं को नहीं मिल रहा है मानदेय, कार्यकर्ताओं ने काम में आ रही परेशानी एसडीएम को बताई। तो यहाँ आप देख सकते हो ब्लॉक की आशा व आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं ने बुधवार को एसडीएम ममता खेड़े से मुलाकात कर 4 माह से मानदेय नहीं मिलने व मैदान में काम में आने वाली परेशानियों से अवगत कराया। विशेष रूप से बीएलओ के कार्य के लिए बार बार ब्लॉक मुख्यालय आने पर मंजरों टोलों तक पहुँचने में आने वाली परेशानी बताइए। एसडीएम ने कलेक्टर से चर्चा कर निराकरण का आश्वासन भी यहां पर दिया गया। कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें 4 माह से मानदेय नहीं मिला, इस पर उन्होंने तत्काल सीएमएचओ से चर्चा कर मानदेय जारी करने की बात की। इसके अलावा बीएलओ कार्य की जानकारी देने के लिए पुनासा की जगह सेक्टर मुख्यालय पर देने गए। समूहों द्वारा बढ़ती जा रही लापरवाही व बीएलओ कार्य हेतु वार्ड बदलने की मांग की गई है। एसडीएम ने उनकी समस्याओं के बाद में समझाइश भी दी। एसडीएम ने कहा कि आज की महिलाएं पुरुषों की बराबरी कर रही है। तो दोस्तों ये थी मेरे द्वारा दी गई छोटी सी जानकारी। दोस्तों आशा करता हूँ मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो वीडियो लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले, ताकि आपको आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित पल पल की अपडेट आपको मिलती रहे। साथ में आप जिस शहर और जिस राज्य से बिलोंग करते हो वो जरूर कमेंट करें, ताकि हम आपके राज्य और आपके शहर की भी आंगनबाड़ी और आशा कार्यकर्ताओं से संबंधित अपडेट आपको देते रहे। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।